बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की। प्राणधार आत्म संबंधी सुंदर साज। कल की चर्चा में हमने सुना श्री जी पन्ना जी पहुंचे हैं। महाराजा छत्रसाल जी ने पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत के रूप में उनकी पहचान की है। श्री जी के आशीर्वाद से अफगान खान को उन्होंने किस तरह से युद्ध में परास्त किया है, कैसे श्री जी उन्हें कतेब पक्ष के विषय में बताते हैं, किस प्रकार उन्हें औरंगजेब के विरुद्ध लड़ने हेतु जोश आता है, लेकिन बलदीवान जी जैसे कुछ लोग हैं जिनके मन में कहीं ना कहीं संशय है, किस प्रकार बलदीवान जी महोबा के काजी अब्दुल रसूल तथा बुंदेलखंड के जो प्रमुख पंडित थे सुंदर वल्लभ और बद्री, उनसे शास्त्रार्थ करवाते हैं, कैसे दोनों पक्ष श्री जी को आखिरी इमाम मोहम्मद मेहदी और विजय अभिमन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप के रूप में स्वीकारता है, किस प्रकार बुंदेलखंड में पन्ना जी में विशेष रूप से सभी लोगों के मन में ये विचार होता है कि इनके पास कोई रसायन है, क्योंकि महाराज जी की तरफ से तो कोई आर्थिक सेवा नहीं हो रही है, किस तरह से इसकी वास्तविकता जानने पर कि मेरता से अब तक सारी सेवा आ रही थी, छत्रसाल जी दुखी होते हैं, कैसे श्री जी की कृपा से पन्ना की धरती हीरा उगलने लगती है, और अब किस तरह श्री छत्रसाल जी ने श्री जी से आग्रह किया है बलदीवान जी से लिखित रूप में लेने के बाद कि आसपास के राज्यों में आक्रमण किया जाए और उसमें से जो भी धन आए उसको चार भाग करके उसका एक भाग सुंदर साहब की सेवा में प्रयोग किया जाए। अब महाराजा छत्रसाल जी ने श्री जी को कहा कि श्री जी आप राजा के स्थान पर हाथी पर विराजमान हो जाइए और हम आपके सेनापति बन करके आपके साथ चलेंगे। और कल अंतिम में हमने सुना कि संवत 1743 अश्वारी करी जब हस्ती पर चढ़ाई के आगे सेना चलाई तब आगे सेना चलाई तब राठ खड़ोत जलालपुर। अब श्रीजी साहेब हाथी पर विराजमान है, छत्रसाल जी सेनापति बनकर साथ साथ में है, उनकी सेना साथ में चल रही है, राठ खड़ोत और जलालपुर तीन राज्यों में मोर्चा मारने के बाद, तीन राज्यों को जीतने के बाद अब श्रीजी पहुंचते हैं कालपी। कालपी में बहुत सारे मौलवी काजी सैयद इकट्ठा हुए थे। छत्रसाल जी ने उन्हें ज्ञान युद्ध के लिए ललकारा कि आप कुरान से बात कीजिए। उन्होंने कुरान हदीसों की चर्चा प्रारंभ किया, लेकिन श्री जी के ज्ञान के सामने वे टिक नहीं पाए और उन्होंने लिख करके दिया कि श्री प्राणनाथ जी ही आखिरी जमाने के खाविंद हैं, आखरुल इमाम मोहम्मद मेहदी साहिब जमाम। उन्होंने जो प्रतिज्ञा पत्र लिख करके दिया था वो बीतक में महजर नामा के रूप में प्रसिद्ध है। राज्य की कृपा से श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ से, जहाँ तक मेरा विश्वास है कि इस वर्ष के वार्षिक उत्सव में महजरनामा छप करके तैयार हो जाएगा।
महजर नामे का तात्पर्य आज के हिसाब से कहा जाए तो हम इसको एफिडेविट कहते हैं ना, प्रतिज्ञा पत्र, कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि फिर आगे जो भी उसका विचार होता है व्यक्ति लिखता है। इसी तरह से कालपी में मौलवियों ने ये प्रतिज्ञा पत्र लिख करके दिया कि श्री जी ही आखुल इमाम मोहम्मद महदी हैं, और वो महजर नामा औरंगजेब के पास भिजवाया गया ताकि उसको पता चले कि जिसकी खोज वो कर रहा है वो श्री प्राणनाथ जी ही हैं। औरंगजेब के पास पहुंचाया जाता है, वो सुनता भी है, शर्म के मारे सिर नीचा भी करता है, लेकिन श्री लालदास जी कहते हैं सुन के सिर नीचा किया छूटा नहीं गुमान, कि उसका अहंकार नहीं छूटता है। और कुरान में ये बात लिखी है कि कुछ लोग जो बेईमान होंगे वो कभी भी ईमान लेकर के नहीं आएंगे, इनके दोनों कानों पर मुहर लिखी होगी। मुहर का तात्पर्य क्या है? मुहर वैसे तो पुराने समय में जैसे ताले लगाए जाते थे और उसको कपड़े से लपेट करके फिर उस पर स्टाम्प लगाया जाता था। मुहर मारने का तात्पर्य है बंद कर देना, कि अब इसे कोई खोल नहीं सकता। कहते हैं कि जो मुनकर हैं, जो बेईमान लोग हैं, उनके दोनों कानों में, दोनों कान मतलब ये बाहरी दोनों कानों की बात नहीं हो रही है, दोनों कानों का तात्पर्य यह है कि न उनकी बाह्य सुनने की शक्ति होगी और न उनकी अंतर शक्ति होगी, किसी भी तरह से वो बात नहीं समझ पाएंगे। और उसी समय सातों निशान कयामत के जाहिर किए, जब सुन के सिर नीचा किया मुनकर हुए तब। कयामत के सातों निशान भी उसमें लिखे हुए थे। सुनता है, सिर नीचा करता है, लेकिन ईमान नहीं लाता है। उस महजर नामे में लिखा था कि दाभा हुई जाहिर उग्या सूर मगरब, दाबतुल अर्ज जाहिर हो चुका है। मगरब से अर्थात पश्चिम से ज्ञान का सूर्य उदय हो चुका है और आजुज माजुज जाहिर हो चुके हैं, इमाम मेहदी और इशारु अल्लाह भी जाहिर हो चुके हैं, ये सारी बातें, असराफिल आ चुका है, हकीकत मार्फत के सारे द्वार खुल चुके हैं। इस तरह से महजर नामा लिख करके भेजा। अब वहां से कालपी से चल करके श्री जी पहुंचते हैं सिवड़े नाम के स्थान। वहां चित्रकूट का एक राजा है जिसका नाम है बसंत सुर्खी। उसने सोचा कि छत्रसाल जी को युद्ध में हरा पाना तो संभव नहीं है, क्योंकि उनकी विजय यात्रा के बारे में वो सुन चुका है। राठ, खड़ोत, जलालपुर सब जगह पर जिन जिन लोगों ने छत्रसाल जी से युद्ध करने का प्रयास किया वे सब परास्त हुए हैं। तो बसंत सुर्खी ने सोचा कि इससे अच्छा यह है कि युद्ध के स्थान पर कोई नीति अपनाई जाए। वो स्वागत करने के लिए आता है, आकर के श्री जी के चरणों में प्रणाम करता है और छत्रसाल जी से कहता है कि देखिए, आप ये मानते हैं कि श्री प्राणनाथ जी परब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, अक्षरातीत है। अब छत्रसाल जी मना तो नहीं कर सकते, उन्होंने कहा हाँ। तो बसंत सुर्खी ने कहा कि यदि ये परमात्मा है तब तो आपके अकेले के नहीं है, इन पर आपके अकेले का अधिकार नहीं है, तो मैं चाहता हूं कि मैं श्री जी की सेवा करूं, तो आपको मुझे ये मौका देना ही पड़ेगा। अब छत्रसाल जी तो वचनबद्ध हैं और पहले भी कह चुके हैं कि इन मोहम्मद के दीन में जो ल्यावेगा ईमान, छत्रसाल तीन ऊपर तन मन धन कुर्बान। अब श्री जी को लेकर के बसंत सुर्खी चित्रकूट ले जाता है, लेकिन छत्रसाल जी ने ये सोचा कि मेरी जो सेवा भावना है वो भंग नहीं होनी चाहिए, तो उन्होंने अपनी रानी को चित्रकूट में छोड़ा कि आप इनकी सेवा करते रहना, क्योंकि अगर छत्रसाल जी एक वर्ष तक चित्रकूट में ही रहते तो फिर पन्ना की जो व्यवस्था है, बुंदेलखंड की राज्य व्यवस्था भंग होती। इसलिए उन्होंने सेवा के लिए अपनी रानी को छोड़ा। श्री जी एक वर्ष तक रहते हैं चित्रकूट में और उसी एक वर्ष में कयामत नामा की वाणी अवतरित होती है, जिसमें महाराजा छत्रसाल जी की छाप है, जिसमें छत्रसाल जी को शोभा मिली है। और उस शोभा का कारण क्या है?
छत्रसाल जी का समर्पण, उनकी पहचान, उनकी त्याग भावना, जिसके कारण राज्य ने उन्हें शोभा दी और कयामतनामा में छत्रसाल जी की छाप है। अब इसके पश्चात एक वर्ष चित्रकूट में रहने के पश्चात श्री जी पुनः पन्ना जी आते हैं, तो ओरछा का जो राजा है वो छत्रसाल जी से वैर भाव लेता है। लेकिन क्या होता है, कहते हैं तब ओरछे के राजा ने लिया खटोला ए लगी फिटकार तिनको मौत हुआ तिन से। चूंकि छत्रसाल जी पर अभी राज्य का वरद हस्त है, औरंगजेब ने अपना एक पत्र लिखा था, यदुनाथ सरकार ने एक इतिहास की किताब लिखी है, औरंगजेब का इतिहास अंग्रेजी में द हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब के नाम से उपलब्ध है। उस ऐतिहासिक ग्रंथ में उन्होंने औरंगजेब के द्वारा अपने पुत्रों को लिखे गए एक पत्र का अथवा अंतिम पत्र का वर्णन किया है, जिसमें औरंगजेब ने लिखा है कि तुम भले ही किसी से भी लड़ाई कर लेना, लेकिन छत्रसाल से लड़ाई मत करना, क्योंकि उसके पास अभी खुदाई ताकत है, उसके पास परमात्मा की शक्ति है, इसलिए उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। छत्रसाल जी ने 252 लड़ाइयां लड़ी है, कुल बड़ी 52 लड़ाइयां हैं और छोटी मोटी सारी मिलाएं तो 252 लड़ाइयां हैं। कई तो द्वंद युद्ध भी हुए हैं, उन सभी युद्धों को गिन करके 252 लड़ाइयां, और श्री जी की कृपा से वो कभी भी पराजित नहीं हुए। और अब तो चूंकि उन पर श्री जी का वरद हस्त है, जो जो भी बुरी नजर करता है, जो जो भी कुदृष्टि डालने की चेष्टा करता है, वे सब या तो मृत्यु के प्राप्त होते हैं या फिर परास्त होते हैं, मुंह काला करके भागने पर मजबूर होते हैं। अब ओरछा के राजा ने इसी तरह से बुरी नजर की, उसकी मृत्यु हुई। फिर अगली घटना होती है, औरंगजेब के एक सेनापति में से मिट्ठू पीरजादा, जिसका नाम है, उसने भी बुरी नजर की। सभी लोग क्या सोच के आते हैं कि छत्रसाल को अगर हम पकड़ लेते हैं या परास्त करते हैं तो औरंगजेब हमसे खुश होगा। मिट्ठू पीरजादा 5000 सैनिकों को लेकर के दौड़ता है, और उसने क्या सोचा कि मैं गुप्त रास्ते से जाऊंगा और छत्रसाल पर अचानक से आक्रमण कर दूंगा, उनको संभलने का मौका नहीं दूंगा। ये रात्रि के समय में एक गुप्त रास्ता होता है, जंगल के पहाड़ियों के बीच में से छोटा सा संकरा सा रास्ता, उस तरफ से मिट्ठू पीरजादे की फौज आ रही होती है। अब संकरे रास्ते में सब लोग तो एक साथ नहीं जा सकते, पंक्तिबद्ध होकर के एक एक करके गुजरना पड़ता है। तो वहां पर कुछ आदिवासी लोग थे जो कि चमड़े का व्यवसाय करते थे, जिनको बोलचाल में चमार कहा जाता है। उन्होंने देखा कि ये मुसलमानों की फौज आ रही है, और छत्रसाल जी ने महाराणा प्रताप तथा शिवाजी से तथा अपने इतिहास से बहुत कुछ सीखा था। उन्होंने कभी भी जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर भेदभाव नहीं किया। सर्वप्रथम जो 25 लोगों की टुकड़ी बनी थी छत्रसाल जी की, जहां से उन्होंने अपनी विजय यात्रा का प्रारंभ किया था, उन 25 लोगों की टुकड़ी में हर वर्ण के लोग थे। उसमें कुम्हार भी था, उसमें चमड़े का व्यवसाय करने वाले लोग भी थे, उसमें 2-3 मुसलमान भी थे, उसमें एक तेली भी था। अलग अलग व्यवसाय करने वाले अलग अलग वर्ण के लोग थे, उन्होंने कभी भी भेदभाव नहीं किया था। जिस प्रकार महाराणा प्रताप की सहायता के लिए सभी वनवासी एकत्रित हुए थे, जिस तरह से बप्पा रावल ने सभी वनवासियों को एक किया था, तो बुंदेलखंड के भी जो वनवासी थे, जिनको आदिवासी कहकर के जाना जाता है, वैसे तो आदिवासी कहना नहीं चाहिए, क्योंकि आदि का अर्थ होता है सृष्टि के प्रारंभ के जो लोग हैं, और प्रारंभ में वास्तव में देखा जाए तो किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं था, केवल मानव जाति थी। बाद में वर्ण व्यवस्था हुई और वर्ण को जाति कहा जाने लगा।
तो जो वन में रहने वाले लोग थे उन्होंने ये देखा कि ये तो महाराजा छत्रसाल जी के लिए ये फौज आई है और अब क्या किया जाए। अचानक से छत्रसाल जी और उनकी फौज को बुलाया भी नहीं जा सकता है। उन्होंने क्या किया कि जिस स्थान से वो प्रवेश कर रहे थे, जिस रास्ते से वो प्रवेश कर रहे थे, तो चमारों की कुछ टुकड़ी थी वो हथियार लेकर के दोनों तरफ छिप करके बिल्कुल तैयार है। जैसे जैसे मिट्ठू पीरजादे की सेना अंदर प्रवेश करती जाती है पहाड़ी से, उस छोटे से रास्ते से, वे चुपचाप अपना काम करते गए, पकड़ते गए, मुंह बंद करते गए, मारते गए। और इस तरह से मार मार करके लगभग रात रात भर में उन्होंने सारी की सारी सेना, लगभग सारी सेना समाप्त प्राय कर दी। अब सुबह होने वाली है, क्योंकि जो दूसरी तरफ गए हैं उस सेना में से कोई हलचल दिखता ही नहीं है। जैसे तैसे पता किया तो पता चला कि वनवासियों ने सारी सेना समाप्त कर दी है, सारी फौज समाप्त कर दी है। अब मिट्ठू पीरजादा वहां से अपना काला मुंह लेकर के भागता है और क्या कहते हैं, और पुनः जिन जिन करी तित तित ही पाई सजा, एक काफिर लिखे कुरान में यही लिखी ताले कजा। जिस जिसने जैसा जैसा किया छत्रसाल जी के प्रति या श्री जी के प्रति, उनको उसी तरह से वहां पर सजा मिली, उसी तरह से वहां पर दंड दिया गया। अब आगे अगला प्रकरण है शुकराना का। बीतक में दो जगह पर शुकराना का प्रसंग आता है, एक आकोट में और एक पन्ना जी में। चूंकि पन्ना जी में भी जिन जिन लोगों ने छत्रसाल जी के ऊपर कुदृष्टि की, उन सब से रक्षा की है ब्रह्मात्माओं की, छत्रसाल जी और सुंदर साहब की, इसलिए वहां पर भी शुकराना लिखा गया है। कहते हैं कि अब कहूं बीतक परना की, जब बैठे इत आए दज्जाल लगा पुकारने, सो तुम्हें कहूं बनाए। जब श्री जी पुनः पन्ना जी आकर के विराजमान होते हैं, रामनगर से पुरदल खान आता है और पुरदल खान के मन में कुफ्र है, बेईमानी है, वो पत्र लिखता है और उस पत्र में वो लिखता है कि तुम कयामत को ऐसे कैसे कह रहे हो कि कयामत पास में है या कयामत का समय आ चुका है, उनकी मुद्दत दूर है, आज क्यों बताओ इत, तुम कयामत को अभी कैसे घटाते हो। श्री जी ने उस पत्र का जवाब लिखा और जवाब में भी सवाल ही लिखा कि तुम दूर कौन किताब से तहकीक किया अब, कि तुम जो ये कह रहे हो कि कयामत अभी आई नहीं है या उसका समय नहीं हुआ है, कयामत आने में बहुत समय बाकी है या वो तो अभी बहुत दूर है, वो तुम किस किताब के आधार पर कह रहे हो, हमें बताओ कि कुरान में कहाँ लिखा है। कयामत तो जाहिर हो चुका है, सातों निशान कयामत के जाहिर हो चुके हैं, सूरज उगा मगरब बिन रोशनी का अंधेर, तुम आंखों न देखिया अब नजर करो फिर। जो ज्ञान का सूर्य पूर्व में उदय हो चुका है वो भौतिक प्रकाश नहीं है उसमें, और तुम तो अंधे हो, तुम्हारे पास उस ज्ञान रूपी सूर्य को देखने की आंखें नहीं है, क्योंकि दज्जाल की नजर कितनी है, दज्जाल की नजर एक है और वो है बाहरी, और तुम्हारे पास वैसी ही बाहरी आंख है जिस कारण तुम ज्ञान के प्रकाश को देख नहीं पा रहे हो। अब तो दावा भी जाहिर हुआ, किया दज्जाल सूर, दाबतुल अर्ज भी जाहिर हो चुका है, आजूज माजूज जाहिर हो चुका है, असराफिल कुरान के वचनों को गा रहे हैं, हजरत ईसा का आगमन हो चुका है, इमाम मेहदी का आगमन हो चुका है, और अब आज तुम सूते नींद में तो ऐसा लिखा सुकन, बिन नसीब तुम क्या करो ये काम ईमान मोमिन। श्री जी ने पत्र में उत्तर दिया कि तुम अज्ञानता की नींद में सो रहे हो, इसलिए तुम ऐसी बात कह रहे हो और तुम्हारे पास नसीब ही नहीं है, अर्थात तुम तो अभागे हो, दुर्भाग्यशाली हो, बदनसीब हो, इसीलिए तुम इसको पहचान नहीं पा रहे हो। ईमान लाने का काम, पहचानने का काम तो वास्तव में मोमिनों का है और तुम काफिर हो। अब तुम्हें जाहिर होएगी हकीकत कयामत आई नजीक तुम पर, जो कही कुराने साहिब।
कुरान में जो निश्चित समय बताया गया है वो जाहिर हो चुका है, और जिसकी तुम खोज कर रहे हो वे तो रामनगर में आए थे, श्री जी रामनगर में पहुंचे थे। तो कहते हैं तुम्हारे अहदी आए थे बीच रामनगर, रामनगर में आए थे पर तुमने पहचान नहीं की, और पहचान न करने के कारण, ईमान न लाने के कारण तुम्हारी अवस्था कैसी हुई? क्योंकि पुर्दल खान ने तो स्वयं श्री जी को देखा भी नहीं, उसने किसको भेजा था? शेख खिदर को, और शेख खिदर ने आकर के श्री जी के स्वरूप की पहचान की, चिट्ठी लिख करके पुर्दल खान तक भी पहुंचाया, औरंगजेब तक भी पहुंचाया, लेकिन उस चिट्ठी को पढ़ने के बावजूद भी जब पहचान नहीं की तो कहते हैं अब तुम हल्के बहुत हो बिन वाव उड़े जो तूल। तूल समझते हैं क्या होता है? जैसे आक होता है, आक में एक फल जैसा लगता है हरा हरा सा, जब वो फूल जाता है अथवा जब वो पक जाता है, पकने के बाद उसको फोड़ा जाए तो अंदर से छोटे छोटे रुई के फांके की तरह निकलते हैं, बिल्कुल हल्के से पतले से, और उसके उड़ने के लिए हवा चलने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, जब आपको महसूस भी न हो इतनी हल्की सी हवा भी चल रही हो तो वो जो तुल है वो उड़ता ही रहता है। तो यहाँ पर ये आलंकारिक रूप से, लाक्षणिक रूप से बताया है कि तुम्हारी इज्जत उस तुल की तरह हो गई है कि तुम अब बिना हवा के भी उड़ जाओगे, तुम्हारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, इस प्रकार का उत्तर लिख करके भेजा। फिर पुर्दल खान ने इस पत्र के बाद भी श्री जी के स्वरूप की पहचान नहीं की, और उल्टा 3000 की फौज लेकर छत्रसाल जी पर आक्रमण किया, और आप जानते हैं उसका हश्र क्या हुआ। सोच सकते हैं कि 3000 की फौज कितने लोगों की टुकड़ी से लड़ती है? 22 लोगों से, और 22 लोगों की टुकड़ी ने 3000 की फौज को हराया। कहते हैं 22 अश्वारों मारी फौज 3000, भागा जाए भेड़ ज्यों बिना तेज देखा ख्वार। जैसे भेड़ कैसे चलती है, आगे की भेड़ जिस दिशा में जा रही है पीछे की भेड़ भी उस दिशा में भागती रहती है, पुर्दल खान की फौज भी 22 लोगों की टुकड़ी से मार खा करके ऐसे भागती है जैसे भेड़ों का समूह एक के पीछे दूसरा भागे। और उसके बाद पुनः वो फौज लेकर के आता है, पुर्दल खान और छत्रसाल जी की 3 बार लड़ाई होती है, और ये जो आखिरी लड़ाई है क्या कहते हैं, इस लड़ाई को सफजंग की लड़ाई की तुलना की गई है, सफजंग की लड़ाई की उपमा दी गई है, जिसमें उसका नामो निशान समाप्त हो जाता है, उस लड़ाई में वो पूरी तरह से हार जाता है। और अब छत्रसाल जी से कोई भी लड़ाई करे तो उसकी अवस्था कैसे होती है, जैसे एक प्रसंग आता है मेरे विचार से हमारे पुस्तकालय में, वो साहित्य है, उसका नाम है कससुल अंबिया, उसमें मूसा हारून और फिरौन का प्रसंग वर्णित है। वो हम वैसे आज से 3-4 दिन पहले भी सुन चुके हैं कि किस तरह से मूसा पैगंबर की उस चमत्कारी लाठी से फिरौन की जो फौज है वो नील नदी में, जिसको दरियाए कुलजम कहा है, उसमें डूबती है। इसी प्रकार श्री जी की कृपा से महाराजा छत्रसाल जी के साथ कोई भी लड़ने की हिम्मत अगर करता है तो उसकी भी अवस्था वैसी ही होती है। कुरान में प्रसंग आता है कि फिरौन को लानत लगी थी जब वो कुलजम नदी में डूब के मर रहा था, तो कहते हैं कि उस समय आकाशवाणी हुई थी, उस समय एक आवाज आई थी, कहते हैं कि तूने जो बेईमानी की है, तूने जो काफिरपना किया है, अर्थात क्योंकि वो खुद परमात्मा बन के बैठा था, और जब एक परमात्मा के विषय में बताया जा रहा था तब वो नहीं मान रहा था, तो उस समय आकाशवाणी होती है कि तुझे कयामत तक भी मुक्ति नहीं मिलेगी, और कयामत तक तेरा शरीर सड़ेगा ही नहीं, तू ऐसे ही पड़ा रहेगा, तेरी लाश को भी ठिकाना नहीं मिलेगा, इस तरह से उसको लानत लगी थी। और ऐसा कहा जाता है कि उसकी जो लाश है वो
उस नील नदी में तैरते तैरते समंदर में पहुंचा था। और आज से कुछ सौ साल पहले कुछ जहाज चलाने वाले लोगों ने, जहाज पे कुछ लोग सवार थे, उन लोगों ने उस लाश को प्राप्त किया और जिसको ले जा करके अभी वर्तमान में किसी म्यूजियम में, संग्रहालय में रखा गया है। और वो लोग आश्चर्यचकित हैं, क्योंकि आपको पता है शरीर को जब गलाना होता है जल्दी से, तो किसी की भी मृतक शरीर को नमक चारों तरफ डाल करके, उस गड्ढे में नमक डाल करके फिर शरीर को उस पर रखा जाता है। इसका मतलब क्या है, नमक शरीर को जल्दी गलाने का काम करता है। और समुद्र में तो नमक ही नमक है, समुद्र का तो पानी ही खारा है। वहां अगर कोई शरीर रहे और वो भी इतने हजार सालों तक, सोचिए मूसा पैगंबर का किस्सा कितना पुराना है, तो लगभग 3000 वर्ष से शायद अधिक ही होगा। तो इतने वर्षों से समंदर में वो शरीर रहे और बिना गले रहे, तो सभी लोगों ने उस लाश को जब देखा तो ये अनुमान लगाया कि ये उस फिरौन की लाश होगी जो गली नहीं है अब तक, जिसको खुदा की लानत लगी थी, आज भी वो किसी संग्रहालय में रखा हुआ है। सोचिए, तो जिन जिन लोगों ने उस फिरौन की तरह बेईमानी की और जो जो छत्रसाल जी से लड़ने के लिए आते हैं, सबकी अवस्था कुछ ऐसी ही हुई। यहाँ पर मिठू पीरजादा का प्रसंग पुनः दोहराया, फिर ओरछे के राजा ने भी उसी तरह से किया। जेतपुर का जो राजा था, जेतपुर के राजा ने भी छत्रसाल जी के ऊपर कुदृष्टि की। उसके बाद में दौवा नाम का एक व्यक्ति है, उसने भी छत्रसाल जी से विरोध लिया और ये सभी परास्त होते हैं। और एक बार जब औरंगजेब औरंगाबाद में था, तो उसने रणमस्त खान को भेजा फौज लेकर के, बहुत बड़ी फौज लेकर के आया है। रणमस्त खान फौज लेकर के आता है और सात मजल पार करता है। सात मजल अर्थात सात पड़ाव। पड़ाव का भाव क्या है, जैसे दिन भर सैनिकों ने यात्रा की और रात को कहीं पर ठहरते हैं, तो जिस स्थान पर पंडाल बना करके, टेंट लगा करके, छावनी बना करके सैनिक रात को ठहरते हैं, तो उसको एक पड़ाव माना जाता है। फिर अगले दिन यात्रा करी, फिर जहां पहुंचे हैं वहां पर एक छावनी बनाई अस्थाई रूप से, वहां पर ठहरे। तो इस तरह से सात भिन्न भिन्न स्थानों में पड़ाव करके उतनी दूरी तय की थी, सात दिन की यात्रा की थी रणमस्त खान ने। लेकिन जैसे ही मिठू पीरजादा की खबर पहुंची औरंगजेब तक, तो उसने अपने संदेशवाहक को रणमस्त खान के पास भेजा कि तुम लोग वापस लौट आओ, अब छत्रसाल जी से युद्ध करने का कोई लाभ नहीं है। इस तरह से रणमस्त खान को वापस बुलाया जाता है, सात मजल पार करने के बाद लौटाया जाता है। इस तरह एक राणा प्रताप नाम का राजा है, उसने भी छत्रसाल जी पर कुदृष्टि की, तो वे आपस में ही लड़े, उसके राज्य में अंतर कलह छिड़ गया। और जिस जिस ने जैसी जैसी की, जिनों जिनों जैसी करी तिन सजा पाई तित, जैसी जैसी जिनों करी ताए मारा उसी बखत, जिसने जैसा किया उसको तत्काल ही दंड मिला। और क्या कहते हैं कि जिस प्रकार दीपक होता है, दीपक बुझने से पहले बहुत जोर जोर से फड़फड़ाता है, इसी प्रकार मरने के समय में अर्थात अपने अंतिम समय में दज्जाल भी हाथ पटक रहा है। हाथ पटकने का तात्पर्य क्या है, जैसे एक बालक है, उसके पास करने को कुछ नहीं होता, वो आपसे कुछ सामान मांगता है, आप उसे मना करते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, रोते हुए हाथ पटकते हैं, क्योंकि और कोई उपाय ही नहीं है उसके पास। इसी तरह से दज्जाल के पास भी अब और कोई उपाय नहीं बचा है, तो वो हाथ पटक रहा है, ये लाक्षणिक वर्णन है। इसी तरह श्री लालदास जी कहते हैं, बलाएं जो उतरी सो दफे होए मोमिनों की बरकत। जितनी भी बलाएं, बलाएं अर्थात संकट अथवा कष्ट,
ब्रह्मात्माओं पर, ब्रह्म मुनियों पर जितने भी कष्ट आए, संकट आए, वे सभी राज्य की कृपा से ठंडे होते जाते हैं, समाप्त होते जाते हैं। राज्य ने ब्रह्मात्माओं को अपनी पनाह में रखा है, पनाह अर्थात अपनी सुरक्षा में, अपनी हिफाजत में रखा है, अपनी मेहर भरी दृष्टि में रखा है। और कहते हैं ये बैठे अपने ठौर में करते हैं जिक्र। ब्रह्मात्माएं क्या करती हैं, अपने स्थान पर बैठे बैठे उस प्रियतम अक्षरातीत का जिक्र करती हैं, उनका वर्णन करती हैं, उनके गुणों का गायन करती हैं, उनकी प्रेम को, उनकी प्रेम लीला को याद करते हैं। और क्या कहते हैं, फिरस्ते चौकी देते हैं, बलाए उड़ावे कर फिकर। फिरस्ते असराफिल जबराइल, राज्य कहते हैं असराफिल जबराइल भेज दिए आमर, निगाह बानी कीजियो मेरे खासे बंदों पर। असराफिल और जबराइल क्या है, कतिब परंपरा में असराफिल और जबराइल कहा गया है। असराफिल जिसको हम जागृत बुद्धि का फरिश्ता कहते हैं और जबराइल को हम राज्य के जोश का फरिश्ता कहते हैं। फरिश्ता मतलब इसको हम देवदूत कह सकते हैं। इसी को सनातन परंपरा में अथवा वैदिक परंपरा में ब्रह्म की ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति कहा जाता है। ज्ञान शक्ति जिसको असराफिल कहा गया है और क्रिया शक्ति जिसको जबराइल कहा गया है, जबराइल अथवा जिब्रिल भी कहा जाता है बाइबल में, जिसको गैब्रियल कह के वर्णन किया गया है। तो राज्य ने इन दोनों शक्तियों को ब्रह्म सृष्टि की रक्षा के लिए भेजा है। जागृत बुद्धि का कार्य क्या है, ब्रह्मात्माएं यदि राह भटक रही हैं तो उनके अंदर विवेक पैदा करना कि ये जो किया जा रहा है तुम्हारे द्वारा ये अनुचित है। इसी तरह से जबराइल का काम क्या है, जबराइल का भी काम इसी तरह से केवल विवेक पैदा करना नहीं, उसके अंदर अच्छे कार्यों के प्रति उत्साह पैदा करना। यदि गलत दिशा में है तो किसी भी तरह से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उन्हें रोकना, जैसे महावजी भाई को रोका गया था, ये जबराइल का काम है। जैसे विभिन्न प्रसंगों में ब्रह्मात्माओं की रक्षा होती है, अंतः प्रेरणा होती है, ये जबराइल का काम है। तो कहते हैं फिरस्ते चौकी देते हैं, बलाए उड़ावे कर फिकर। फिकर अर्थात चिंता करके, परवाह करके, ब्रह्म सृष्टियों के सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये आने वाले सभी संकटों को उड़ा देते हैं अर्थात समाप्त कर देते हैं। और जिन ब्रह्म सृष्टियों की हिफाजत, जिन ब्रह्म सृष्टियों की सुरक्षा ये दोनों शक्तियाँ, ये दोनों फिरस्ते करते हैं, वे ब्रह्म सृष्टियाँ कौन है, यही सुन्नत जमात है, गिरोह रब्बानी जे, इनको दाना हके दिया अपना इलम दे। कि ये ब्रह्म सृष्टियां ही वो हैं जो सुन्नत जमात है। और सुन्नत जमात कौन है, कहते हैं सोई सुन्नत जमात, सुनते ही ल्यावे ईमान। जो इस रब्बानी कलाम को, उस प्रियतम की वाणी को सुनते ही ईमान लेकर के आए, वो सुन्नत जमात है। और इनको राज्य ने अपना प्रेम दिया है, प्रेम रूपी आहार दिया है। और वो प्रेम रूपी आहार कहाँ से प्राप्त हुआ है, इल्म के द्वारा। इल्म से इश्क आता है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक। तो राज्य ने क्या किया, इनको दाना हके किया अपना इल्म दे। आगे कहते हैं साहेदी खुदाए की कही गिरोह देवनहार। राज्य की साक्षी देने वाले कौन है, ये ब्रह्म सृष्टियां। यही अरस अजीम से ये सब खबरदार, ये ब्रह्म सृष्टियां अरस आजम से, परम धाम से आई हैं और इस जागनी लीला में भी वही खबरदार हैं, सावधान हैं, सावचेत हैं, जागने के लिए तत्पर हैं। और जबराइल हमेशा ब्रह्म सृष्टियों की वकालत करता है अर्थात उनका पक्ष लेता है, उनके हृदय को साफ रखता है। और कयामत के जो बड़े सात निशान कहे गए हैं वे भी ब्रह्म सृष्टियां ही उन्हें समझती हैं। और आगे कहते हैं विरोध सारे विश्व का भान किया एक दिन। ये चौपाई अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या कह रहे हैं कि ब्रह्म सृष्टियां क्या करती हैं, विरोध सारी विश्व का भान किया एक दिन। ब्रह्म सृष्टियां विश्व के विरोध को भान कर, मिटा कर, समाप्त करके सबको एक दीन अर्थात एक धर्म के झंडे के नीचे लेकर के आती हैं।
और यहाँ हमारे साथ तो क्या हो रहा है, विरोध को समाप्त करने वाले सुंदर साथ आपस में ही विरोध में लगे हुए हैं। कहीं नाम का विरोध है, कहीं परंपरा का विरोध है, कहीं मंत्र का विरोध है, कहीं वेशभूषा का विरोध है, कहीं पे कर्मकांड का विरोध है कि ये वाला कर्मकांड हमें करना चाहिए, ये वाला नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विरोध ही विरोध है, जबकि ब्रह्म सृष्टियां क्या करती हैं, विरोध सारे विश्व का भान किया। एक दिन विश्व का विरोध समाप्त कैसे होगा? आज हम बीतक के अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं। अब इसके बाद एक मंगलाचरण है और मंगलाचरण के बाद अष्ट प्रहर की बीतक। लेकिन ऐसा क्या है इस बीतक में, क्योंकि इसके बाद तो सेवा का ही वर्णन आएगा जिसके बारे में हम अच्छे से आने वाले दिनों में सुनेंगे। लगभग हमारे पास अभी 3 या 4 दिन का समय है अष्ट प्रहर को सुनेंगे। पर ये हम जाने कि बीतक में ऐसा क्या है जो विरोध को समाप्त करने वाला है। वास्तव में संपूर्ण बीतक ही विरोध को समाप्त करने वाला है। कोई एक प्रसंग नहीं इसमें कि इससे विरोध समाप्त हो जाएगा। क्या कहते हैं लालदास जी, विरोध सारी विश्व का भागत इन बीतक सबको पहचान हो वही पहुंचावे कदमोहक। इस बीतक को यदि कोई समझे और यदि कोई समझाए, और केवल ज्ञान दृष्टि से समझने की बात नहीं है, यदि कोई इस बीतक के आधार पर अपनी जीवन शैली बना ले, यदि कोई बीतक को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बना ले, केवल एक वर्ष के लिए नहीं, वर्ष में एक बार के लिए नहीं, वर्ष के 365 दिन हमारा जीवन बीतकमय हो, हमारे जीवन में हम लालदास जी को अपना आदर्श माने, हम केशवदास जी को अपना आदर्श माने, छत्रसाल जी को अपना आदर्श माने, माताओं में ललिता सखी को, तेज कुंवरी जी को, बाईजीराज जी को, श्यामबाई को, और भी बहुत सारे सुंदर साध हैं, इनको अपना आदर्श माने, केसरबाई को अपना आदर्श माने। आज की यंग जनरेशन को एक बात बताई जाती है, एक बात सिखाई जाती है, उन्हें कहा जाता है कि चूज योर आइडल्स वाइजली, अपने आदर्शों को बुद्धिमत्ता पूर्वक चयन करें। हम क्या करते हैं आज देखिए, जो क्रिकेट खेलना चाहता है वो अपना आदर्श किसको मानता है? अगर उसको बैट्समैन बनना है तो वो सचिन, द्रविड़, या आज के हिसाब से कहा जाए तो विराट कोहली, इनको अपना आदर्श मानेगा। सचिन कोहली अपने समय में सुनील गावस्कर, सर विवियन रिचर्ड्स, ऐसे लोगों को अपना आदर्श मानते होंगे। अगर कोई बॉलर बनना चाहेगा तो डिपेंड करेगा कि वो फास्ट बॉलर बनना चाहता है कि स्पिन बॉलर बनना चाहता है, अपनी सुविधा के, अपनी इच्छा के अनुसार वो ग्लेन मेग्रा को चुनेगा या फिर शेन वॉर्न को, मुरलीधरन को, ऐसे ऐसे जो दिग्गज होंगे उनको अपना आदर्श मानेगा। और आज की जो युवा पीढ़ी है वो अपना आदर्श किसको मानती है उसको पता ही नहीं कि किसको मानना है। उन्हें टीवी के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से जिस जो दिखाया जाता है उन्हें लगता है कि बस हमें ऐसा बनना है। और वर्तमान जो जितने भी चलचित्र बनाए जाते हैं वे कैसे बनाए जाते हैं, अधिकांश चलचित्रों में अश्लीलता कूट कूट करके भरी जाती है, जबरन बिना आवश्यकता के फूहड़ गानों में नृत्य कराया जाता है, और आज की युवा पीढ़ी उन्हें हीरो कहती है, कहते कि इस फिल्म में हीरो कौन है, हीरोइन कौन है, हीरो का अर्थ होता है नायक, नायक कौन होता है, नायक का अर्थ होता है संस्कृत में नी धातु है, नी धातु से नायक शब्द बना है, नी का अर्थ होता है ले जाने वाला, नायक का अर्थ होता है ले जाने वाला, जैसे नेता का अर्थ होता है नेतृत्व करने वाला, ठीक है, जैसे पाचक का अर्थ पकाने वाला है, इसी तरह से तो नायक किसको कहां ले जाता है, नायक का अर्थ यह हुआ कि वो समाज को किसी एक दिशा में लेकर के जा रहे हैं। और वर्तमान में जितने चलचित्र बन रहे हैं बॉलीवुड में, उसमें जिनको नायक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, यदि उनका अनुसरण, उनका अनुकरण किया जाए तो समाज
पाताल लोक में जाएगा, समाज का बेड़ा गर्क होगा, इसलिए उन्हें अपना आदर्श न माने। मैं कह रहा था कि वित्तक को प्रतिदिन अपने जीवन में उतारना हो तो हमारे जीवन में नायक कौन होने चाहिए। यदि वीरता का गुण अपनाना है तो हम छत्रसाल जी से वीरत्व का गुण सीखें। और केवल छत्रसाल जी ही नहीं, छत्रसाल जी तो एक योद्धा थे तो आसानी से हम उनको वीर कह सकते हैं, पर वे 12 सुंदर साथ जो दिल्ली में औरंगजेब के दरबार में गए हैं, क्या वो वीर नहीं है? बिना हथियार के गए हैं उस औरंगजेब के पास, जिसके यहाँ पर कोई हथियार के साथ भी जाने को सोच नहीं सकता था। आपको पता है, हम कई बार इसी वर्ष की बीतक में भी सुन चुके हैं, औरंगजेब ने अपने तीनों भाइयों को नहीं बख्शा, अपने पिता को नहीं बख्शा, जिस पर संशय होता था उसी को वो मरवाता था। और ऐसे औरंगजेब के यहाँ जो कि धर्मांध था, कट्टर था, और राज्य की रक्षा के लिए, राज्य अर्थात उसके राज्य के लिए कि मैं बादशाह बना रहूं तो उसकी गद्दी की हिफाजत के लिए वो किसी को भी मरवा सकता था। सोचे कि जिसने अपने भाई और बाप को नहीं छोड़ा और उसके दरबार में सुंदर साथ जाते हैं और कैसे बात करते हैं, बिना डरे आंखों में आंखें डाल करके, कि औरंगजेब डर जाता है कि ये कौन है। तो वीरता का गुण हम उनसे सीखें, सेवा का गुण हम हमें सीखना है तो गांगजी भाई से प्रारंभ करते हैं, क्योंकि गांगजी भाई हमारे सुंदर साथ में सर्वप्रथम तारतम्य ग्रहण किया और सबसे अधिक सेवा उन्होंने की। मैं सबसे अधिक क्यों कह रहा हूं पता है आपको? वैसे तो धन की दृष्टि से देखा जाए तो मेरे विचार से राजाराम झांझन भाई ने गांगजी भाई से ज्यादा धन व्यय किया होगा, क्योंकि गांगजी भाई जी के समय में 313 ब्रह्मात्माओं के जागने का प्रसंग आता है, तो इतने लोगों के लिए व्यवस्था की उन्होंने लंबे समय तक की, लेकिन फिर भी ज्यादा लोग नहीं थे। राजाराम झांझन भाई ने बहुत लंबे समय तक किया और अधिक संख्या में किया, पर मैं गांगजी भाई जी की सेवा को ज्यादा महत्व इसीलिए देता हूँ क्योंकि उन्होंने उस समय में सेवा की जिस समय में और कोई सेवा करने वाला था ही नहीं। जब सेवादारों की संख्या शून्य थी तब उन्होंने सेवा प्रारंभ की थी। इसीलिए जो सबसे पहले रास्ता बना करके दिखाता है उसके कार्य को सर्वाधिक प्रशंसा मिलनी चाहिए, ऐसा मेरा भाव है। वैसे तो किसी की भी सेवा को, किसी के भी समर्पण को तुलना करके कम या अधिक नहीं कहना चाहिए, पर चूंकि गांगजी भाई ने जब प्रारंभ किया तो उस समय और कोई सेवा करने वाले नहीं थे। जब राजाराम और झांझन भाई सेवा करते थे, मेरता पहुंचे, तब तो संख्या भी बहुत अधिक थी। सूरत से जो सुंदर साथ चले थे, अब उस समय विकल्प था। मेरे कहने का तात्पर्य यह है, सूरत से भी सुंदर साथ सेवा कर सकते थे। हाँ, ये अलग बात है कि विकल्पों के होने के बावजूद भी राजाराम झांझन भाई मकरंद जी के परिवार ने और किसी के विकल्प की तरफ नहीं देखा कि और लोग कर लेंगे ना, ये भी बड़ी बात है। वर्तमान में क्या होता है, देखिए, श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ के प्रारंभ के दिनों में जब बहुत कम लोग जुड़े थे ज्ञानपीठ से, उस समय जो सुंदर साथ सेवा कर रहे थे उनका महत्व बहुत अधिक है, लेकिन वर्तमान में सुंदर साथ की संख्या ज्यादा है, सेवा करने वाले सुंदर साथ की संख्या भी अधिक है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सुंदर साथ ऐसे हैं जो ये नहीं देखते कि बहुत सारे सुंदर साथ है ना, कोई और कर लेगा, ऐसा नहीं कर रहे हैं और स्व कर्तव्य समझ करके अपनी अपनी सेवा निभा रहे हैं, तो उस समय उनका भी महत्व है। इसी तरह से वीरता का गुण हम छत्रसाल जी से सीख रहे हैं, उन 12 सुंदर साथ से, सेवा भावना हमने सीखी गांगजी भाई जी से, कर्तव्य पालन की भावना हम लालदास जी से सीखें, कांजी भाई से सीखें, इस तरह हर सुंदर साथ से हम कुछ न कुछ सीख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे गुण हैं, तो यदि हमने उन गुणों को आत्मसात करते हुए इस बीतक के और ब्रह्मवाणी के सिद्धांत को जन जन तक पहुंचाने में बीतक में वर्णित इन्हीं पात्रों के अनुरूप कार्य किया तो क्या होगा, विरोध सारी विश्व का भान किया एक दिन, तो इस संसार का विरोध समाप्त हो जाएगा। सोचिए कि आज हम में से
यदि दो लोगों के विचारों में भेद हो और पता चले कि सामने वाला व्यक्ति आपकी बात को काट रहा है, बस इतना पता चलने की आवश्यकता है। कौन सी बात है, बड़ी बात है, छोटी बात है, इसमें भी कोई लेना देना नहीं है। पर आप देखिए, दिल्ली के प्रसंग को मैं उस प्रसंग को बार बार हाईलाइट करता हूँ। और प्रसंग कौन सा है कि गोवर्धन जी और लालदास जी के बीच में जो विवाद होता है इतना बढ़ जाता है कि श्री जी सब सुंदर साथ को अपनी 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 शक्ति बांट देते हैं। मुकुंददास जी को अलग जगह भेज रहे हैं, केशवदास जी को अलग जगह भेज रहे हैं, शेख बदल जी को अलग शक्ति दे रहे हैं, लालदास जी को अलग शक्ति दे रहे हैं, और खुद कह रहे हैं कि मैं तो जा रहा अनूप सर। और इतने विवाद के बाद जब पुनः श्री जी अनूप सर से लौटते हैं, दिल्ली आते हैं, अगले ही सेवा के लिए श्री जी पुनः लालदास जी और गोवर्धन जी को भेजते हैं एक साथ, और दोनों एक साथ मिलकर के जा रहे हैं, एक साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। तो वहां उन दोनों के विचारों में भेद हो सकता है, मतभेद था उन दोनों में, लेकिन उन्होंने मतभेद को मन भेद नहीं बनने दिया। आज यदि हम उसी रहनी को अपनाएं सुंदर साथ में, और विशेष रूप से जो बड़े बड़े सिर है ना, बड़ी बड़ी हस्तियां हैं हमारे समाज की, यदि उनमें ये भावना आ जाए कि भले ही हमारे बीच में मत भिन्नता हो, लेकिन जागनी के मिशन के लिए, इस सेवा के लिए हमें एकजुट होकर के चलना है। लालदास जी और गोवर्धन जी की तरह हमें अपने वैर भाव को त्याग करके सेवा करनी है। हमारा कार्य क्या है, ब्रह्मवाणी को जन जन तक पहुंचाना। तरीके भिन्न हो सकते हैं, समर्पण का स्तर भिन्न हो सकता है, पर हमारे अंदर वो भेद नहीं रहना चाहिए, वैर भाव नहीं रहना चाहिए। इस तरह से यदि हम सीखेंगे एकजुट होकर के, परिश्रम करके, उत्साह पूर्वक समर्पण के साथ यदि हमने जागनी के लिए प्रयास किया, तभी इस सारे विश्व का विरोध समाप्त हो जाएगा। अभी तो क्या हो रहा है, हमारा आपसी विरोध ही समाप्त नहीं हुआ है, आपसी वैर ही समाप्त नहीं हुआ है। आगे कहते हैं, सबकी सबो समझाए के एही देवे आकिन। ब्रह्म सृष्टियां क्या करेंगी, सबकी सबो समझाए के एही देवे आकिन। ब्रह्म सृष्टियां जो जिस तरह से समझेगा उसको उसी तरह से समझाएंगी। इसका तात्पर्य क्या है कि हमारे अंदर इस बात की कट्टरता नहीं होनी चाहिए कि हमें ये ग्रंथ नहीं पढ़ना है, वो ग्रंथ नहीं पढ़ना है, इस भाषा को नहीं सीखना है, उस भाषा को नहीं सीखना है। क्योंकि यदि हमें सबकी सबो समझाए कि इस एक चरण को भी आत्मसात करना है, हमारे समाज में कुछ ऐसी हस्तियां हैं जो सांप्रदायिक कट्टरता में इस तरह से डूबी हैं, वो कहते हैं कि तारतम वाणी के अवतरण होने के पश्चात हमें वेद पढ़ने की क्या जरूरत है, हमें शास्त्रों की क्या जरूरत है, हमें पुराणों की क्या जरूरत है, या धर्म ग्रंथों की क्या जरूरत है। और कहते हैं तारतम पढ़ा तीन सब पढ़ा, सब मंत्रण का भेद, जिसने तारतम पढ़ लिया उसने सब पढ़ लिया, उसको किसी और की क्या आवश्यकता है। जब हमें धर्म ग्रंथों को ही पढ़ना था तो श्री जी ने ये क्यों कह दिया कि जाको नामे संस्कृत सो तो संशय की कृत, इसलिए हमें संस्कृत नहीं पढ़ना चाहिए, हमें धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ने चाहिए। अगर हमें संसार के स्वप्निक बुद्धि के ज्ञान को ही पढ़ना होता तो जागृत बुद्धि और निज बुद्धि के ज्ञान को लाने का क्या लाभ। इस तरह से एक वर्ग बात करता है। इसका समाधान क्या है कि जिस वाणी को आधा अधूरा पढ़ करके आप कहते हैं कि एते दिन त्रैलोक में होती बुद्ध सुपन, वही वाणी ये भी कहती है कि जिन जानो शास्त्रों में नहीं है शास्त्रों में सब कुछ। धर्म ग्रंथों में परब्रह्म के धाम स्वरूप और लीला के विषय में वर्णन है, आप वाणी को क्या कहते हो, किल्ली या चाबी। चाबी किस में लगती है, हाँ जी, ताले में लगती है। ताला किसको कहा गया है, हाँ जी, धर्म ग्रंथों को। धर्म ग्रंथों में ताला लगा हुआ है, उसकी चाबी है तारतम वाणी।
आपके पास केवल चाबी है और अगर आपने ताले में लगाया ही नहीं तो आपको उस कमरे के अंदर क्या है कैसे पता चलेगा। इसीलिए नवरंग वाणी का कथन है कि न खुले अकेले वेद से, न खुले अकेले तारतम, वेद तारतम दो मिले तब मिटे अंदर का भरम। और ब्रह्मवाणी क्या कहती है, भव सागर और भागवत या की कुंजी दो समारी। चाहे इस भवसागर का रहस्य हो चाहे भागवत का रहस्य हो, इन दोनों की कुंजी क्या है, ए दो एक कुंजी से खोलूं। दोनों की एक कुंजी क्या है, तारतम्य वाणी। तो हमें इस बात की कट्टरता मन में नहीं पाल लेनी चाहिए कि हमें धर्म ग्रंथों को पढ़ना ही नहीं है, धर्म ग्रंथों के रहस्यों को खोलने के लिए ही ये तारतम्य ज्ञान आया है। यदि हमने धर्म ग्रंथों को खोला ही नहीं तो ऐसा कैसे कह पाएंगे कि सबकी सबों समझाए के यही देवे आकिन। इसी तरह से अब एक और वर्ग है जो ये कहता है कि हम कट्टर सनातनी हैं और हमें ब्रह्मवाणी में जो सनंद खुलासा मारिफत और कयामत नामा चार ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों को नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि इसमें तो खुदा रसूल मुहम्मद इमाम कयामत ऐसे ऐसे उर्दू अरबी फारसी के शब्द हैं और हम कौन हैं, हम हिंदू हैं, हमें तो संस्कृत पढ़ना चाहिए। और आज समाज में ऐसे स्वयंभू विद्वानों का प्रचलन बहुत जोर जोर से चल रहा है। और मैं एक व्यक्ति को देखता हूँ, नाम नहीं लेना चाहूंगा, फेसबुक पर हर दूसरे तीसरे दिन तीन तीन चार चार पेज के पोस्ट आते रहते हैं उनके, जिसमें ये लिखा रहता है कि ये जो आहूजा वाले हैं ये मुसलमान हैं और ये देखो बार बार रसूल का मोहम्मद का वर्णन करते रहते हैं, उनकी महिमा गाते रहते हैं। फिर मैंने एक दिन देखा, मैंने उनकी परंपरा को जानने का प्रयास किया तो पता चला कि मेहर सागर का पाठ करते हैं ये। और मेरे पास किसी ने उनके द्वारा लिखे गए पोस्ट को भेजा तो मैंने उनको मैसेज किया, मैंने कहा कि आप उन महाशय को एक ही चौपाई केवल पूछ देना कि आप जब मेहर सागर का पाठ करते हैं तो उसमें एक चौपाई आती है कि मेहरे रसूल होए आइया मेहरे हक के लिए फुरमान, तो इस चौपाई को आप निकाल देंगे मेहर सागर से। आप सनंद खुलासा मारिफत और कयामत नामा को तो हटा देंगे पर पूरी मेहर सागर में जो मेहर शब्द है वो भी तो संस्कृत का नहीं है। तो ये कट्टरता लेकर के तो वाणी ही पूरी तरह से हटा दी जाएगी। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, हास्यास्पद बात जिस पर कोई विचार नहीं करता, जो तारतम बोला जाता है ना, कट्टर सनातनी होने का दावा करके जो निज नाम श्री कृष्ण जी का मंत्र बोला जाता है, उसमें यदि कट्टर संस्कृतवादी होना है, कट्टर सनातनी होना है, तो उसमें से श्री कृष्ण जी में से जी शब्द ही हटाना पड़ेगा। क्यों हटाना पड़ेगा, क्योंकि जी तो संस्कृत में नहीं लगाया जाता है, जी हुजूर ये सब तो संस्कृत के शब्द नहीं है, जी के जगह पर संस्कृत में महोदय शब्द प्रयोग किया जाता है। आपने किसी भी पुराण में जी शब्द देखा है, किसी भी हिंदू धर्म ग्रंथ में नहीं है ना, तो जी हटाना पड़ेगा, ठीक है। और पहली ही चौपाई में जो सो तो अब जाहिर भय, तो जाहिर को भी हटा करके प्रगट हुए करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए यदि आप इस तरह की कट्टरता को अपने कंधे पर लाद करके चलेंगे तो जागनी नहीं हो पाएगी। जब हम ये कहते हैं कि या कुरान एक कागद दो परवान, तो कुरान और पुराण दोनों को समझना है तो हमें केवल संस्कृतवादी भी नहीं होना चाहिए और केवल उर्दू अरबी फारसीवादी भी नहीं होना चाहिए। अब ये दो वर्ग की बात हो गई, एक और तीसरा वर्ग भी है जो ये कहता है कि हमें हिंदुत्ववादी नहीं होना चाहिए, हमें हिंदुओं के त्योहार नहीं मनाने चाहिए, हमें दीपावली दशहरा राखी जैसे पर्वों को नहीं मनाना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी हैं कहते हैं कि निजानंद संप्रदाय में इन सब का क्या लेने देना, ये सब तो कर्मकांड है,
ये सब तो पतिव्रता साधन के विपरीत है। आप देखिए कि हिंदुत्ववादी होने में गलत क्या है। हिंदुओं को तो ब्रह्मवाणी क्या कहती है, त्रैलोकी मेरे उत्तम खंड भरत को तामे उत्तम हिंदू धर्म। इसी तरह से वेद आया देवन पर असुरन पर, कुरान कहते हुए वेदों का जिन हिंदुओं के बीच में आगमन हुआ है उनको देवों की संज्ञा दी है। और श्री जी ने बड़ी पत्री में क्या संदेश दिया है कि मैं तुम्हारे सिर पर खड़ा हूं एक पाए और दिस हिंदुवन की निके राखियो बनाए। श्री जी ने कहा कि तुम्हारी हिंदुत्ववादी जो वेशभूषा है उसको बनाए रखना, हिंदुत्ववादी जो रहन सहन है उसको बनाए रखना, इसीलिए हमारे अंदर किसी भी तरह की कट्टरता नहीं होनी चाहिए। अध्यात्म मुक्ति का नाम है, बांधने का नाम नहीं है कि तुम ऐसा ही करो। निजानंद दर्शन, जिसको बोलचाल में निजानंद संप्रदाय कहा जाता है, निजानंद संप्रदाय न ये हिंदूवादी है कट्टर, न ये इस्लामवादी है और न कट्टरवादी है। निज आनंद तो ऐसा मार्ग है जिसका अनुसरण करते हुए, जिस पर चलते हुए हम अपने स्व आनंद को, अपने आत्मा के आनंद को प्राप्त करते हैं। और उपरोक्त तो जो तीनों कट्टरताएं हैं, तीनों बंधन हैं, ये हमारी आत्म जागृति की राह में और विशेष रूप से ब्रह्मवाणी के प्रचार प्रसार के राह में बाधक हैं। हमें तो श्री जी और श्री देवचंद्र जी के मार्ग पर चलना है। प्रारंभ में श्री देवचंद्र जी ने ही खोजी बाई को जागृत किया, रई बाई की वासना जान करके उन्होंने ही श्री मिहिरराज जी के हृदय में बीजारोपण किया कि कुरान में भी हमारी बातें हैं। और फिर श्री जी ने पांचवें दिन की लीला में वेद कतेब दोनों का एकीकरण किया। इसलिए हमें दोनों पक्षों का ज्ञान होना आवश्यक है। यदि हमें तुलनात्मक रूप से भी किसी को बताना है, यदि हमें ये बताना है कि हिंदू धर्म की वास्तविकता क्या है और इस्लाम की वास्तविकता क्या है, जब तक हमारे पास दोनों का ज्ञान नहीं होगा तब तक तुलना कैसे करेंगे। तुलना करने के लिए तो दोनों तराजू के दोनों पल्लों में कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना। अगर पल्ले में कुछ नहीं है तो कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला है। इसीलिए ये कट्टरता छोड़ करके जब हम आगे बढ़ेंगे तो विरोध सारी विश्व का समाप्त कर पाएंगे। आगे कहते हैं कि रूहे फिरस्ते उतरे सोई अरस वारिस। ब्रह्म सृष्टियां और ईश्वर सृष्टियां जो उतरी हैं वही वास्तव में अखंड के ज्ञान का, परम धाम के ज्ञान का उत्तराधिकार रखती हैं। और बानी अक्षरातीत की इनों से सुने सरस। अक्षरातीत की ब्रह्मवाणी इन्हीं के द्वारा सुनी जाएगी, अर्थात यही इस संसार में उसका प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे। आठों भिस्त आखिर की पाई इनों की बरकत। ब्रह्म सृष्टियों की बरकत अर्थात उनकी कृपा से, उनकी मेहर से आठों बहिस्त अखंड होंगे और सबको उन बहिस्तों में अखंड किया जाएगा। हमने भी दावा तो किया है कि मोहे दिल में ऐसा आईया ए जो खेल देखा ब्रह्मांड, तो क्या देखी रे हम दुनिया जो इनको न करूं अखंड। लेकिन हमारी अवस्था कैसी है बताए। किरंतन में राज जी ने हम सब की अवस्था को देखते हुए, वैसे तो ताना तो मारा है वहां पर वल्लभाचार्य मार्ग के अनुयायियों को, लेकिन मुझे लगता है कि वो जो एक चौपाई है वो हम सब पर घटित होती है। और जिसमें क्या कहते हैं श्री जी कि जो धूरत नाम धरावे धनवंत पासे नहीं दमड़ी रो। कहते ना आंख के अंधे और नाम नयन सुख। हमने काम धेले भर का नहीं किया है और दावा कितना बड़ा लिया है कि मुक्त देसी ब्रह्मांड को कैसे देंगे ब्रह्मांड की मुक्ति। ऐसे आज से 18 साल पहले से लेकर के आज तक मैं सुनते आ रहा हूं, 40 लाख की संख्या है, 40 लाख की संख्या है, उसके बाद 41 लाख कब होंगे पता ही नहीं। जब 18 साल में 40 से ऊपर बढ़ ही नहीं रहे हैं और सुंदर साथ हो भी रहे हैं तो कैसे हो रहे हैं पता है आपको। दो सुंदर साथ आपस में मिलते हैं, ठीक है, उनका विवाह होता है, उसके बाद सुंदर साथ की पीढ़ी बढ़ती है, ठीक है, सुंदर साथ ऐसे हो रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा निरंतर जागनी का
पर यदि 10-20 प्रचारक प्रचार करते हैं तब जाकर के साल भर में 1500 लोग तारतम ग्रहण करते हैं। और जब तक 1500 लोग जुड़ते हैं तो दूसरी तरफ से ये भी खबर आती है कि प्रणामी समाज में से कई लोग अपने धर्म को छोड़ करके कोई स्वामीनारायण में जा रहा है, कोई किसी और संप्रदाय में जा रहा है, कोई नास्तिक बन रहा है, ऐसी भी खबरें आती हैं। तो जितनी तेजी से बनाने का काम नहीं हो रहा है उतनी तेजी से बिगड़ने का काम हो रहा है। इन सब के पीछे कारण क्या है? कारण है आलस्य, अकर्मण्यता, प्रमाद और कट्टरता। ये सभी कारण है और इसमें किसी एक व्यक्ति का दोष नहीं है, इसमें दोष हमारे संपूर्ण समाज का है। चाहे वो तथाकथित प्रचारक विद्वत वर्ग हो, चाहे वो साधारण सुंदर साथ हो, सबका इसमें दोष है। क्योंकि अकेला प्रचारक भी काम नहीं कर सकता, प्रचारक ज्यादा से ज्यादा कहाँ कितने जगह पर जाएंगे। यहाँ पर तो हमें सबको प्रचारक बनना होगा। आज हमारे अतिरिक्त जितने दुनिया के संप्रदाय तेजी से फैल रहे हैं उस संप्रदाय के प्रत्येक अनुयायी स्वयं को प्रचारक मान करके काम करते हैं और अपने अपने स्तर पर। कोई मंच पर बैठ करके चर्चा करता है, कोई स्कूल कॉलेज में जाकर के मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में विद्यार्थियों को, नव युवकों, नव युवतियों को धर्म की, अध्यात्म की शिक्षा देता है, आर्ट ऑफ लिविंग सिखाता है। कोई बूढ़े बुजुर्गों के बीच में जाकर के उन्हें मानसिक शांति का उपाय बताता है, योग सिखाता है। कोई भिन्न भिन्न स्थानों पर पानी के प्याऊ लगा करके, भोजनालय इत्यादि बना करके, भोजन की सेवा करके, पानी पिलाने की सेवा करके अपने संप्रदाय की सेवा भावना से परिचित कराते हैं। कोई छोटे छोटे साहित्य छाप करके लोगों में बांटते हैं, कोई छपे हुए साहित्य लेकर के ट्रेन ट्रेन में जाते हैं। इस तरह से एक एक व्यक्ति योद्धा के अनुरूप काम करता है। आज यदि निजानंद दर्शन की इस विचारधारा को जन जन तक पहुंचाना है तो हमें इज़राइल की नीति को अपनाना होगा। इज़राइल की क्या नीति है पता है? इज़राइल में प्रत्येक युवा और युवती को सेना की ट्रेनिंग लेना आवश्यक होता है। उसके बाद पुरुषों को न्यूनतम 3 वर्ष तक और स्त्रियों को न्यूनतम 2 वर्षों तक सेना में सेवा करनी होती है। उसके बाद फिर आपको जो काम करना है कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से हमारे समाज में भी, निजानंद समाज में भी, यदि सभी लोग अपने जीवन में ये प्रण लें कि हम कम से कम 3 वर्ष के लिए प्रचार प्रसार की सेवा करेंगे, नए लोगों को जोड़ेंगे, साल में कम से कम एक निश्चित गिनती हो कि 50 लोगों को हम निजानंद दर्शन से परिचित कराएंगे। उसके बाद कोई तारतम ग्रहण करके सुंदर साथ बनता है नहीं बनता है वो अलग बात है, पर हमने अपना कर्तव्य तो पूरा किया। योग माया के ब्रह्मांड में जब न्याय की लीला हो रही होगी उस समय पहले तो जिन लोगों ने श्री जी के स्वरूप की पहचान नहीं की उन लोगों का हिसाब किताब होना होगा। और अगर उन लोगों ने ये कहा, उन जीवों ने, कि हम क्या करें, आपकी ब्रह्मात्माएं आई थी पर आपकी पहचान हम तक नहीं पहुंचाई, तो हमारा तो कोई दोष नहीं है। दोष किस पर आएगा? आप तथा कथित ब्रह्मात्माओं का दावा लेने वाले सुंदर साथ पर, हम सब पर। इसीलिए हमारा कर्तव्य क्या है कि कोई उस 7वें दिन की लीला में हमारा दामन झटक करके ये ना कह पाए कि आपने हमें प्राणनाथ जी का परिचय नहीं दिया। हमारा काम बारिश की तरह, बादल की तरह बरसते जाना है। हमारा काम किसी के मुंह में तारतम ज्ञान घोल के डालना नहीं है, पर कम से कम किसी तक संदेश पहुंचाने का तो काम करें। सोचिए कि दिल्ली में उन 5 दरबारियों के पीछे 2-2 महीने तक कांजी भाई घूम रहे हैं। हमें तो ये नहीं कहा जा रहा है कि 2-2 महीने एक एक व्यक्ति के पीछे ढूंढो घूमो। आज हमें बहुत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। मैं देखता हूँ लगभग 4-5 हजार की संख्या में सुंदर साथ आते हैं, चर्चा भी लगभग प्रत्येक वीडियो पर औसतन 4-5 हजार व्यूज पहुंच जाते हैं 10-15-20 दिन के बाद। और हमेशा चर्चा में ये आह्वान तो किया जाता है कि सुंदर साथ जी,
अगर आप घर घर जाकर के प्रचार नहीं कर सकते तो कम से कम मोबाइल में घर बैठे बैठे जो चर्चा आप तक पहुंचती है उसको दूसरों तक शेयर कीजिए, उसमें भी अंगूठे में छाले पड़ जाते हैं। दुनिया भर के मैसेजेस फॉरवर्ड करेंगे, लेकिन जब बात आए कि ये चर्चा आप अपने कांटेक्ट में सभी लोगों को फॉरवर्ड कर दीजिए, तो सुंदर साथ को लगता है कि इसमें एक्स्ट्रा बैलेंस जाएगा। अंबानी ने जियो का रिचार्ज सिर्फ व्हाट्सएप में हाई हेलो लिखने के लिए नहीं दिया है, आप अपने घर में बैठे बैठे भी ये सेवा कर सकते हैं। और करना कुछ नहीं, फिर दावा क्या लेना, जब मंच पर बैठ करके गाएंगे, मौका मिलेगा जैसे ही तो बोलेंगे कि मुक्त देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्मा आत्म सत। तो ये ऐसे ही संभव नहीं होने वाला। आठों भिस्त आखर की पाई इनो की बरकत, आखिर खावंद करेगा इन खातर उठे कयामत। कयामत के समय में आखिरत की लीला में प्रियतम अक्षराती श्री प्राणनाथ जी न्याय की लीला करेंगे, तो वो भी किसके लिए होगा, ब्रह्मात्माओं के लिए। इनों की सिफत शब्द में आवत नहीं जुबाएं। पता नहीं राज्य को क्या पड़ी है, वैसे ब्रह्मात्माओं की तारीफ करते रहते हैं, जबकि राज्य देख रहे हैं कि ब्रह्मात्मा कर कुछ नहीं रही है। लेकिन कभी कहते हैं लाडलिया लाहौत की जाकी असल चौथे आसमान, और यहाँ पर कहते हैं कि इनों की सिफत शब्द में आवत नहीं जुबाएं। वो कौन सी ब्रह्म सृष्टि होगी जिनकी महिमा इस जीवा से वर्णन नहीं की जा सकती है, ये कौन सी ब्रह्म सृष्टि है? मुझे तो लगता है कि पांचवें दिन की लीला में वे ब्रह्म सृष्टियां श्री जी के चरणों में पहुंच गई, उसके बाद छिटपुट तरीके से भिन्न भिन्न स्थानों पर परमहंसों का अवतरण होता गया, परमहंसों के द्वारा थोड़ी थोड़ी जागनी होती गई, और वर्तमान में भी एकाध गिनी चुनी ब्रह्म सृष्टियां हैं जो अपना कर्तव्य निभा रही हैं, अन्यथा दावा लेने वाले तो बहुत हैं। पर जैसा मैंने पहले ही कहा कि जो धूरत नाम धरावे धनवंत, हमने ब्रह्म सृष्टियों का दावा तो ले रखा है, पर मुझे लगता है कि ये जो तारीफ कर रहे हैं लालदास जी कि इनों की सिफत शब्द में आवत नहीं जुबाई, ये हमारे लिए तो बिल्कुल भी लागू नहीं होता, क्योंकि रहनी देखी हमने हमारी रहनी देख करके। मुझे लगता है कि इस चौपाई को यदि हम एकांत में पढ़ेंगे ना, अभी भी शर्म तो आ ही रही होगी खैर, पर एकांत में पढ़ेंगे तो हमें और ज्यादा शर्म आएगी कि राज जी आपने हमें इतनी बड़ी शोभा दी और हम इस शोभा के कितने काबिल हैं वो भी आपको तो पता ही है, फिर भी आपने हमें इतनी बड़ी शोभा क्यों दी। और इतने में नहीं रुके, आगे कहते हैं, त्रिगुण रोए पीछे फिरे इनकी खूबी सुन श्रवणाए। ब्रह्मात्माओं की खूबी, उनकी विशेषता सुन करके तो त्रिगुण भी रो पड़ते हैं, और हमारी खूबी देखी जाए तो हमारी दिनचर्या देखी जाए, हमारे त्याग को, हमारे समर्पण को, हमारी सेवा भावना को देखी जाए, तो मुझे लगता है कि त्रिगुण क्या, त्रिगुण से उत्पन्न जो जीव हैं वो भी हंसेंगे कि ये हैं जिनकी इतनी महिमा की जा रही थी, ये तो ऐसे ही हो रहा है जैसे कि कोई ऐसा नया नया खिलाड़ी आए जिसकी हाइप क्रिएट की गई हो बहुत ज्यादा कि बहुत तगड़ा मारता है, और नेट पर प्रैक्टिस के लिए जाए, और जो नेट पे बॉलिंग करने वाले नए नए बॉलर्स नहीं होते जिनको बॉल बॉय के रूप में, वाटर बॉय के रूप में रखा जाता है, पानी पिलाने वाले लोग, गेंद उठाने वाले लोग, वो बॉलिंग करने के लिए आए और पहले ही गेंद में विकेट मिल जाए तो सोचे कि उसकी हंसी कैसी होगी। हमारी अवस्था भी ऐसी ही है, हाइप क्रिएट कर दी गई कि अभाविनो भविष्यन्ति मुनयो ब्रह्मरूपिणः, और वो ब्रह्मरूपी मुनि आ भी गए, और जिनके विषय में कह रहे हैं त्रिगुण रोए पीछे फिरे, लेकिन हमारी रहनी देख करके अगर हमने थोड़ा जबरदस्ती ये दावा किया ना कि नहीं हम ही वो ब्रह्म सृष्टि हैं, तो फिर जीव भी हमारी हंसी उड़ाएंगे, क्योंकि जिन लोगों को हम जीव सृष्टि कहते हैं उन्होंने अपने सिद्धांत के प्रचार के लिए क्या क्या नहीं किया है। प्रसंग चल रहा है, मैं एक दृष्टांत यहाँ पे देना चाहता हूँ। वैसे तो ये दृष्टांत इससे पहले अनेकों बार दिया जा चुका है, पर मुझे लगता है कभी कभी चाइना में एक बांस की प्रजाति मिलती है, मैं उससे प्रेरित होता हूँ। उस बांस की विशेषता क्या है कि
उसको जब जमीन में गाड़ा जाता है, उसके पौध को छोटा सा पूरा गाड़ दिया जाता है, और फिर वहां पर मिट्टी, खाद, पानी जो कुछ भी दिया जाता है 5 साल तक देना पड़ता है, और 5 साल तक 1 इंच भी ऊपर नहीं निकलती है। लेकिन यदि आप निराश हुए तो क्या होगा? आपने छोड़ दिया तो उसका लाभ नहीं मिलेगा। 5 साल के बाद जिस दिन पहला अंकुर बाहर की तरफ निकला जमीन फोड़ करके, उसके बाद 6 महीने में ही वो 6 साल में जितना ऊंचा होना चाहिए था 6 महीने के अंदर अंदर उतना ऊंचा हो जाता है। तो मैं उस बांस की प्रजाति से प्रेरित होता हूँ। मुझे लगता है कि 18 वर्षों में क्या पता उस बांस की तरह आपकी जड़ें जमीन में गड़ रही हो, मजबूत हो रही हो, किसी दिन जमीन फोड़ करके बाहर निकले और बांस की तरह जागनी के रास्ते में चलने लग जाए। तो मैं उस बांस से प्रेरित होकर के पुनः ये उदाहरण दे रहा हूं, और ये उदाहरण है कुमारिल भट्ट का। कुमारिल भट्ट किसी गली से गुजर रहे थे तो एक माता के रोने की आवाज आई। वो रो रही थी, रोते रोते कहती हैं, किम करोमि क्व गच्छामि को वेदानुद्धारयिष्यति। मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं, वेदों का उद्धार कौन करेगा? और जिस समय वो ये कह रही थी, ये वो दौर था जब गौतम बुद्ध के जाने के बाद कुछ अल्पज्ञानी बौद्धों ने समाज में नास्तिकता का प्रचार किया था कि परमात्मा नहीं है और वेद जो है वो ईश्वरीय ज्ञान नहीं है, क्योंकि जब ईश्वरी नहीं है तो ईश्वरीय ज्ञान कैसे हुआ। और इस कारण से लोग वेदों से विमुख होते जा रहे थे, जिसे देख करके उस माता का दर्द बाहर छलका, और जिसे राह पर चलते हुए न जान न पहचान कुमारिल भट्ट ने सुन लिया, और सुन करके कहती हैं कि माता, जब तक इस भूतल पर, जब तक इस धरती पर कुमारिल भट्ट विद्यमान है, कोई वेदों का लोप नहीं कर सकता, मैं वेदों की रक्षा करूंगा। वचन तो दे दिया, जैसे हमने राजी को दिया ना कि आपको नहीं भूलेंगे, 100 बार देखो अजमाए के तो भी ना भूले हम, हमने राजी को वचन दिया। कुमारिल भट्ट ने उस माता को वचन दिया कि वेदों का उद्धार मैं करूंगा। अब कैसे करते, वचन देना आसान है, निभाना मुश्किल। उन्होंने सोचा, क्योंकि वो विद्वान तो थे, वेद पक्ष को वो जानते थे लेकिन बौद्ध पक्ष को नहीं जानते थे, तो बौद्धों का पक्ष जानने के लिए उन्होंने बौद्धों के विश्वविद्यालय में प्रवेश किया। विश्वविद्यालय में जाकर के बौद्ध दर्शन का कुछ वर्षों तक अध्ययन किया, और जब उनको लगा कि अब मैं दोनों पक्षों को जानता हूँ, उन्होंने उसी विश्वविद्यालय के जो प्रमुख आचार्य थे उन्हें शास्त्रार्थ के लिए ललकारा कि मेरा पक्ष है ईश्वर है और वेद ईश्वरीय ज्ञान है, और आपको क्या करना है, मेरी बात की खंडनी करनी है, मैं अपने पक्ष को साबित करूंगा, और हारने वाला जीतने वाले के पक्ष को स्वीकार करेगा। अब शास्त्रार्थ हुआ, शास्त्रार्थ में कुमारिल भट्ट विजयी हुए। अब विजयी तो हुए, लेकिन बौद्ध ने अब एक और छल किया वहां पर। उन्होंने कहा कि अगर आप कहते हैं कि ईश्वर है और वेद ईश्वरीय ज्ञान है, तो ईश्वर के होने का प्रमाण चाहिए, प्रत्यक्ष प्रमाण। तो इसके लिए आपको क्या करना है, वेद को ऐसे सीने में रख करके पहाड़ी की चोटी पर से कूदना है। यदि ईश्वर है तो ईश्वर आपकी रक्षा करेगा। कुमारिल भट्ट ने पूरे विश्वास के साथ वेद को गले से लगाया, सीने से, और ये कहते हुए कूद गए कि यदि वेद ईश्वरीय ज्ञान है, यदि ईश्वर है और वेद ईश्वरीय ज्ञान है, तो ये वेद मेरी रक्षा करें। कूद गए। अब लोगों को तो लगा कि मर गए होंगे, लेकिन कुछ समय के बाद वापस आए, कुछ जगहों पे चोटें लगी थी, घाव बने थे। अब जैसे ही वो ऊपर पहुंचे, बौद्धों ने मजाक उड़ाना शुरू किया कि आप तो कहते थे कि ईश्वर रक्षा करेगा, देखो आपको घाव लगी, चोट लगे हैं। कुमारिल भट्ट ने कहा कि ईश्वर ने मेरी रक्षा की, भूल मेरी थी, क्योंकि मैंने यदि शब्द का प्रयोग किया था कि यदि ईश्वर है और वेद ईश्वरीय ज्ञान है, मुझे ऐसा कहना ही नहीं चाहता, यदि लगने पर क्या हुआ, संशय प्रतीत हुआ, इसलिए मुझे चोट लगी, ईश्वर ने तो मेरी रक्षा की, इसलिए मैं जीवित वापस आया हूँ। अब यहाँ प्रमाण भी दिया उन्होंने, तो शास्त्रार्थ में भी वो पराजित हुए, प्रत्यक्ष चमत्कारिक प्रमाण भी दिया,
अब उन्होंने जो आचार्य थे उन्होंने कुमारिल भट्ट के सिद्धांत को स्वीकार किया, लेकिन फिर शर्त क्या रखी थी कि उस समय एक नियम था, गुरु द्रोह के प्रति एक दंड निर्धारित था, भूसे की आग में सुलगने का, जलना नहीं। आपको पता है इस संसार में सर्वाधिक पीड़ा कब होती है? सबसे ज्यादा दर्द होता है हड्डी टूटने पर, ठीक है, सामान्य रूप में जिसको इंसान महसूस करता है। उससे भी अधिक जो पीड़ा होती है वो होती है जब एक माता बच्चे को जन्म दे रही होती है, जब माता बालक को जन्म दे रही होती है। सीजर में नहीं कह रहा हूं मैं, ऑपरेशन की बात नहीं कर रहा, क्योंकि ऑपरेशन में तो एनेस्थीसिया होता है, दर्द का पता ही नहीं। पर जो नॉर्मल डिलीवरी होती है उसमें एक माता को 32 हड्डियों के एक साथ टूटने में जितना दर्द होता है उतनी पीड़ा का अनुभव होता है। तो वैसी पीड़ा का अनुभव कोई नहीं करता, पर उससे भी अधिक पीड़ा होती है जिंदा जलने में। समझ रहे हैं? मैंने तीनों उदाहरण क्यों दिए कि हड्डी टूटने में जितनी पीड़ा होती है उससे बहुत अधिक पीड़ा होती है प्रसव पीड़ा जिसको कहा जाता है, और उससे भी अधिक पीड़ा होती है जिंदा जलने में। और जलना में तो क्या है कि जले और थोड़ी देर में बहुत अधिक पीड़ा सहन करके समाप्त हो गए, लेकिन सुलगने में उसी पीड़ा को लंबे समय तक झेलना है। और उसे भी कुमारिल भट्ट ने स्वीकार किया, और किसके लिए स्वीकार किया? वेदों के लिए। वचन किसको दिया था उन्होंने? उस माता को। कौन लगती थी वो माता? पता ही नहीं, कोई अता पता नहीं। हमने किसको वचन दिया? किसको दिया है? राज्जी को। राज्जी हमारे कौन लगते हैं? कहने को तो क्या लगते हैं? सर्वस्व है कि नहीं? कुमारिल भट्ट ने बिना जान पहचान के अपने वचन को निभाने के लिए गए, बौद्धों के गुरुकुल में विद्या अध्ययन किया, उसके बाद में शास्त्रार्थ किया, अपने सिद्धांत को प्रमाणित किया, पहाड़ी से कूद गए और भूसे की आग में सुलगना स्वीकार किया। और हमें कुछ नहीं करना है, हमें ना भूसे की आग में सुलगना है ना पहाड़ी से कूदना है। हमें करना क्या है? हमें बैठे बैठे अपने एसी कमरों में बैठना है, वाणी पढ़नी है, हमने अपने एसी कमरे में बैठना है और चितवनी करनी है। हमें थोड़ा सा उन कमरों से कभी कभी बाहर निकलना है दिन में एक आध घंटे के लिए, और इस वाणी को बीत तक को जन जन तक पहुंचाने में थोड़ा सा परिश्रम करना है। जब किसी का कोई डर नहीं, उन ब्रह्म मुनियों ने औरंगजेब के समय में करके दिखाया, जब बोलने पर आजादी नहीं थी, जो औरंगजेब हिंदुओं को अगर सुबह सुबह देख ले तो उनको उसको ये मान करके कि ये काफिर है, मेरा दिन खराब गया, मरवा देता था। जिसके विषय में ये कहावत प्रचलित है कि औरंगजेब प्रतिदिन सवा मन जनेऊ हिंदुओं का उतरने के बाद ही भोजन करता था, वैसे तो सवा मन उतारना संभव नहीं है, ये केवल कहने की बात है, लेकिन फिर भी कुछ निश्चित संख्या में धर्मांतरण करने के बाद ही वो खाना खाता था। और ऐसे समय में ब्रह्म मुनियों ने वो त्याग करके दिखाया। और आज हम ब्रह्मात्माओं ने दावा तो बहुत बड़ा लिया है, लेकिन न हम उन ब्रह्म मुनियों की तरह कर रहे हैं। कुमारिल भट्ट ने तो हम सबको एक तरह से उदाहरण प्रस्तुत करके दिखाया कि यदि वचन दिया है तो वचन की पूर्ति के लिए क्या क्या करना चाहिए। ऐसे तो सैकड़ों उदाहरणों से हमारा इतिहास भरा पड़ा है, लेकिन सीखने वाला हो तो एक से भी सीख सकता है ना। हम कहते हैं समझदार को इशारा काफी होता है, और हमें तो उंगली पकड़ पकड़ करके बताई जा रही है, केवल इशारा नहीं किया जा रहा है, इशारतों को खोलने की यह ब्रह्मवाणी है। अब ये पता नहीं कि हमारी समझदारी किधर गई है। तो जो हमारी शोभा है, मुझे लगता है कि हमें हमारी शोभा के अनुरूप कार्य करना चाहिए। जितनी हमारी प्रशंसा, जितनी हमारी बड़ाई की गई है, उस बड़ाई के अनुरूप हमें कार्य करना चाहिए, तब जाकर इस ब्रह्मवाणी का प्रचार प्रसार हो पाएगा। और तभी जाकर के जो ये चौपाई कही कि विरोध सारी विश्व का भान किया एक दिन, ये संभव हो पाएगा। अब आगे कहते हैं, श्री महामत कहे ए मोमिनो, याद करो शुक्राना।
महामती जी कहते हैं कि सुंदर साथ जी, अब इस शुक्राना को याद कीजिए। शुक्राना हम पहले भी सुन चुके हैं, शुक्रिया अदा करना, कृतज्ञता जताना। हमारे यहाँ पर एक कहावत कही जाती है, जहां तक मुझे याद है महाभारत का ये प्रसंग आता है, जिसमें लिखा है कि कृतघ्न व्यक्ति का तो मांस पशु भी नहीं खाते, जो जंगली जानवर या कुत्ते इत्यादि होते हैं ना, शियर इत्यादि, वो भी नहीं खाते अगर कोई व्यक्ति कृतघ्न है तो। ये बहुत कठोर बात है वैसे तो। यहां पर हमें शुक्राना याद इसीलिए कराया जा रहा है क्योंकि राजजी ने हम पर प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों रूप से कृपा की है। प्रत्यक्ष कृपा जिसका वर्णन ऊपर सुना कि छत्रसाल जी की कैसे कैसे विभिन्न परिस्थितियों में रक्षा की, और परोक्ष कृपा कि ब्रह्म सृष्टियों को कितनी बड़ी शोभा दी है। तो इस तरह से राजजी ने जो पल पल हम पर कृपा की है, मेहर करी तुम ऊपर, तुम्हारी सिफत करे सुभान, कि हमारी महिमा तो साक्षात अक्षरातीत गाते हैं। अब ये हमारे ऊपर है कि हम अपनी महिमा के अनुरूप कितना कार्य कर पाते हैं। देख करके तो यही लगता है नाम बड़े और दर्शन छोटे, और चूंकि पूरा प्रकरण ही ऐसी ही बातों से भरा पड़ा है, आज मैं बाध्य होकर के ऐसी चुभने वाली ऐसी कठोर बात कह रहा हूं। और मुझे लगता है कि जो घाव है ना, जो फोड़ा बन रहा है, उसको दबा करके निकाल देना ही उचित है। और जब फोड़े को दबाया जाता है तो थोड़ा बहुत दर्द होता है। यदि ऐसी कठोर बातों से हमें कहीं ना कहीं पीड़ा महसूस हो रही तो मुझे लगता है कि घाव है, तो हम इस घाव को मिटाएं और जितनी हमारी महिमा बताई गई है उस महिमा के अनुरूप कार्य करें, तभी बीतक सुनना सार्थक सिद्ध होगा। कल से हम अष्टप्रहर की सेवा सुनेंगे कि किस तरह से उन ब्रह्ममुनियों ने श्री जी की सेवा की। यहां तक जागनी का प्रसंग है, औरों की जागनी का, दूसरों को जगाने के लिए कैसा कैसा प्रयास किया, और अब उस प्रयास का फल, उस सेवा का फल पन्ना जी में सुंदर साथ लेंगे। तो कल की चर्चा में हम सुनेंगे कि सबसे पहले तो मंगलाचरण है, जिसमें श्री जी के स्वरूप की पहचान कराई गई है कि लगभग 10-11 वर्षों तक 5000 सुंदर साथ की जमात में से ब्रह्म मुनियों ने जिसकी सेवा की, उनकी पहचान क्या है, क्या पहचान करके सेवा की, जिनकी सेवा की जा रही है उनकी भी पहचान है, और जो सेवा कर रहे हैं उनकी भी पहचान है। तो कल हम मंगलाचरण की चर्चा और उसके पश्चात अष्ट प्रहर अर्थात 8 प्रहर 24 घंटे 64 घड़ियों में सुंदर साथ ने किस तरह से दिन रात देखे बिना, अपने शरीर की परवाह किए बिना, लौकिक किसी भी प्रकार की कामना किए बिना सुंदर साथ ने श्री जी की सेवा की, वे सारी बीतक सुनेंगे हम कल। अभी के लिए समय पूरा होता है। श्री महामत कहे ए मोमिनो, याद करो शुक्राना, मेहर करी तुम ऊपर, तुम्हारी सिफत करे सुभाना, तुम्हारी सिफत करे सुभान। बोलो श्री प्राणनाथ, बोलो श्री सतगुरु महाराज।